हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हो रहा है। आप प्रताप भानु मेहता का भी इंडियन एक्सप्रेस में लेख पढ़िएगा पढ़िएगा कि किस तरह से संस्थाओं को लेकर और उपराज्यपाल के अधिकारों की व्याख्या लेकर एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ हो रहा है। वो तोमर के साथ अरविंद केजरीवाल की क्या नैतिकता है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं इसका उत्तर देता हूं। हो सकता है कि आपके साथ में सहमत हूं। प्रताप भानु मेहता जी का उदाहरण दिया ना, मैं कहूंगा हजार प्रताप भानु मेहता मिलकर भी। नीतीश कुमार ने भी कहा कि वो भी ऐसा महसूस करते हैं कि राज्यों के साथ भी इस तरह का हो रहा है। नीतीश कुमार जी को छोड़िए, क्योंकि राजनेता तो बहुत विरोधी ही कहेगा ना भाई, आपके बारे में दूसरा काउंटर व्यू कौन करेगा? शिवराज सिंह चौहान तो कहेंगे नहीं, वसुंधरा राजे तो कहेंगे नहीं, तो विरोधी ही कहेगा ना। तो जो विरोधी कह रहा है कि इस तरह की स्थिति है, मैं उसी संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं ना। देखिए, प्रताप भानु मेहता जी का एक आर्टिकल महत्वपूर्ण है, रेस्पेक्टफुल है, मगर हजार प्रताप भानु मेहता भी मिलकर हिंदी वो हजार नहीं है, नहीं, नहीं, वो कहते हैं जो नहीं, नहीं, मैं, संस्थाओं की भूमिका के बारे में लिखते लोग भी लिख ले, और यूपीए के समय में भी खूब लिखा करते थे, आजकल तो कम लिख रहे हैं लेकिन लिखते हैं वो। आपका इमरजेंसी जाएंगे तो ये कांग्रेस के लोग हमें वहां भून देंगे। नहीं, एक आदमी ने बड़ा खराब काम दे रहे हैं। बिल्कुल तो सही जवाब दे रहा हूं। आप ठीक है, आप कह रहे हैं महिलाएं घर में, आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वो आदमी डर रहा है कि कोई भी मीट नहीं बनाएगा, तो हम यही ना बोलेंगे। आपको बहुत समझ, आप इतना बता दीजिए, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है, नाम होता है? देखिए कि हम पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, आमिर खान जी के बयान से देश का क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूं, मगर पूरे विश्व में आमिर खान एक साधारण व्यक्ति तो है। आप लोग सरकार पे क्यों दिल पे ले लेते हैं? जैसे अरुण शौरी ने आलोचना की प्रधानमंत्री की, जुबान से बोल रहे हैं, उनके बहुत सारे शब्दों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह से नहीं बात बोलना, दिल से बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है ना, विशेष रूप से सक्षम है बेटा, उसको भी निशाना बनाया बीजेपी का नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया बीजेपी का है क्या? असहिष्णुता ना, ना, ना। को आप अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? नहीं नहीं, ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही, आप देख लीजिए। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री ने कुछ भाषण दिया और 15 लाख 12 लाख, ये क्लैरिफाई करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बार बार ये विषय उठ रहा है। इसका वीडियो है, मैं वीडियो भी सुना हूँ, पूरा बात अभी तो क्लैरिफाई कर रहा हूँ, वीडियो मैंने सुना है चाहिए। और रवीश जी, आप भी मानेंगे कि 2009 से जब यह विषय ही विषय नहीं था, इस विषय को हिंदुस्तान में लाने वाला कोई था, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पहले से सलीम साहब, मैंने आपको इंटरप्ट किया क्या एक सेकंड के लिए? 1974 में वांछू कमेटी बनी, सलीम साहब भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले मैं किसी को भी इंटरप्ट कर रहा था। देखिए, मुझे लगता है असत्य नहीं, रवीश जी रहने दीजिए, जाना अब आप लोग क्या कर रहे हैं उस पर जाना कि वो आप विश्वसनीय है कि नहीं। आप इनसे तो नहीं पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हैं, आप मुझसे पूरा बताइए, आप उसका जवाब दीजिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने भाषण में एक पूरा खाका रखा, स्वाभाविक रूप से जो टास्क फोर्स इत्यादि देश में विशिष्ट लोग हैं, उन्होंने जो रकम कहा उस रकम के ऊपर एक खाका रखा गया, जागृत लोगों को किया गया, मगर एज अ प्रधानमंत्री जब कमान उनके हाथ में है, बागडोर उनके पास है, स्वाभाविक रूप से ये बहुत अनिवार्य है कि एक बहुत रेस्पॉन्सिव रकम कोट करना पड़ेगा। आकलन तो बता ही सकते थे कि इतना काला धन है, 4 लाख करोड़ नहीं है जो 60 वर्षों में कैलकुलेट नहीं हो पाया, वो जरूर होगा 60 वर्षों में ही कैलकुलेट है। ये हिंदुस्तान का कैलकुलेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का कैलकुलेशन। आप ये कह रहे हैं कि आपने गलती कर दी, वो एपी सिंह डायरेक्टर जो सीबीआई के हैं उनके बात पर भरोसा करके नहीं करना चाहिए। का काम होता है कि जिन विषयों पर कार्यवाही नहीं हो रही है, जिन विषयों पे पब्लिक मूड है, उसको जागृत करके पब्लिक में जागरण, वो संदिग्ध बनता है। ये तीन स्थिति है ना, तो तीनों स्थिति के आधार पर वसुंधरा राजे को क्लीन चिट कैसे दिया? अमेंडमेंट होगा स्थिति। अमेंडमेंट ये है कि आपने कहा कि हमने इनकार नहीं किया है कि वहां हलफनामा जमा है, हमने कहा है कि ना हमें पता है, ना हां ना ना ना। आप जानना चाहते हैं? नहीं, क्यों जानना चाहते? कैसे जानेंगे? सवाल का जवाब ना तो किसी प्रकार से विटनेस ने जज के सामने कोई बयान दिया है ना। नहीं सर, अगर वो कागज वहां पे जमा है तो वो भी उतना ही अपराध बनता है जितना जाके उसके इजलास में आपने ये कागज जमा है कि नहीं, ये किसको पता है? क्योंकि उसके फैसले के आधार पे लिखा हुआ है। उस फैसले में कहां लिखा भी तो आप फैसले के आधार पर है। पद्मा जी तो वही कह रही है, नाम नहीं लिखा है। पद्मा जी ने तो जाके देख लीजिए, कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है कि वसुंधरा जी के स्टेटमेंट के आधार पर हम फैसला दे रहे हैं। क्रेडिबल एविडेंस, उनका नाम, क्रेडिबल विटनेस, क्रेडिबल विटनेस। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे में उनका मिलना, वो मैंने कहा ना ज्यादा उससे पहले नहीं, नहीं संबंध के आधार पर नहीं, संबंध तो क्रिकेट की दुनिया में उनसे भी। फ्यूजिटिव घोषित होने के बाद क्या मिले आदमी उससे? तो नहीं मिले। सुषमा जी का बता दूं, सुषमा जी एक फ्यूजिटिव आदमी का उससे मिलना, सुषमा जी का उससे मिलना और प्रियंका गांधी का उससे मिलना, दोनों गलत है या दोनों सही है?
फर्क है, दोनों में फर्क है। आप फर्क करेंगे उनके रिश्तेदारियों से करेंगे? नहीं, सुषमा स्वराज की क्या रिश्तेदारी हो गई? फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके नहीं, सुषमा जी जब फॉरेन मिनिस्टर के बतौर फॉरेन मिनिस्टर मैं इतना आप छोड़िए बतौर फॉरेन मिनिस्टर यूके गए थे तो स्वाभाविक रूप से जब 100 लोग वहां आए और बारी बारी सब मिल रहे थे तो इनको भी मना नहीं है, वो हमारे देश के भगोड़े हैं, वहां तो भगोड़े नहीं है। कुछ कन्विंसिंग लग नहीं रहा संबित भाई, आके मिल गए। गांधी परिवार का मिलना उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी इसलिए है क्योंकि क्विड प्रो क्वो है, 4 साल मतलब जो क्विड प्रो क्वो आप अपने बारे में स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनका ट्रेवल डॉक्यूमेंट बना दिया, हलफनामा दे दिया, उसको आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको पता है, लेकिन जो मुलाकात है और ट्वीट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट कब बना और सुषमा जी कब मिली? अच्छा मौका था आपके लिए, सुषमा जी का अच्छा मौका था आपके लिए कि उस क्विड प्रो क्वो को आप साबित कर देते। फैक्ट्स फैक्ट्स क्या है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका चैनल फोन लगाए मुझे दोबारा। चलिए आवाज तो टीवी से तो सुन ही रहे ना, इससे बोल लीजिए। हाँ, वहां पे रवीश जी जो है हमारे पार्टी के ऊपर, नहीं नहीं सुन लिया मैंने, अभी आता हूँ, थोड़ा फोन करवाइए, अभी आता हूँ। वो संबित जी का की आवाज कट गई, ठीक है। जरूरत क्या थी जो जो अभी एक महीने की नहीं रवीश जी, मुझे ऑब्जेक्शन है, बार बार मेरे फोन लाइन को काट दिया जा रहा है और आपका भाई आप भी जानते हैं टीवी में कट जाता है, गजब है भाई। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है संबित भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ड्रामा का लिमिट नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि टेलीविजन में सिग्नल कट जाता है, आप काट दिया जा रहा है, और कोई मुझे काम नहीं है कि आपको हम आपको काट दे रहे हैं, गजब हाल है। बोलिए ना, 5 मिनट बोलिए आप, कैसे हो रहा है? आप जानते हैं अच्छी तरह, मैंने हमको और कोई काम नहीं है क्या? सवाल पूछा जाता है और हर बार आप जवाब दीजिए, आपका कट गया तो आप लगाइए ना साहब, आपके पास जवाब नहीं है क्या? आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, 70-75 प्रवक्ता हैं आपके, आपको कौन लाइन काट लेगा? गजब बात करते हैं, बोलिए, मैं नहीं टोकने वाला। पूरा देश देख रहा है, देश कुछ नहीं देख रहा है, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप वो सवाल का जवाब दे दीजिए। देश को टीवी से नहीं दिखता है, अगर देश को ये भ्रम है कि उसको टीवी से दिख रहा है और एंकर और प्रवक्ता के बोलने से, तो मैं देश को बोल रहा हूँ वो देखते रहे। गलत बात है, जो आप कहना चाहते थे आप कहिए, लेकिन कोई जानबूझ के नहीं काटा है संबित भाई, आप जानते हैं। प्लीज प्लीज, क्या बात कर, अब आप मुझे ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब अपने लोगों को जज नहीं बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए कमिटेड जुडिशियरी एक ऐसा शब्द है, अगर आप डरा देंगे तो मैं मान लूंगा। नहीं सुनिए ना, कमिटेड डरना अच्छा लगता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हें मोदी जी की कसम, कमेंट जरूर करोगे। और हाँ दोस्तों, काम नहीं कारनामे बोलते हैं।